अस्सलाम वालेकुम, मेरा बच्चा निकल गया ये? हाँ, टूट गया बैग। एक तो आपकी चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं। आपके पापा कहाँ हैं? आ रहे हैं। सरप्राइज मिला पापा। हाँ तो पापा आज जल्दी आ गए थे, जैसे आए ना तो टाइम हो गया था आपकी छुट्टी का, तो कहते हैं पहले मैं लेके आता हूँ। अभी आयत भी नहीं मिली, आयत मिलेगी अपने पापा से। पापा आपके पापा हो गए, जो आयत पापा पापा हो गए आपकी। कौन है आयत? वेयर इज डैडी? आई डोंट नो, या फिर वो डैडी शार्क लेकर घूमती फिरती थी सारा दिन। हाँ, जब भी बाहर जाते थे ना, इसने वो पापा वाली चीजें ज्यादा लेकर जाती थी बाहर। बेटी प्यारी। हाँ, नहीं तैयबा भी सो रही, तैयबा को उठाती हूँ। आयत मैं तो तब सो रहे थे ना। हाँ सो रहे थे, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही उठ के आई है। किसवी देरी ये भी तो सदकी। इसको उतारो नीचे, अभी अब तैयबा से मिलो। छोड़ो इसको, छोड़ो, गंदी बच्ची है ये। भाई अभी पापा दोबारा से जा रहे हैं दोबारा से। आयत वो जा रहे हैं, चुप करके खड़ी है। उसे पता है कि मजाक चल रहा है, उसे पता है। चलो आज हमारे चाचू की ड्यूटी भी खत्म हुई फाइनली, अभी बच्चों से जाकर मिलेंगे, उधर रहेंगे इन कितने दिन। चलो हमारे साथ इस बहाने, चलो चाचू हमारे साथ तो रह गए, वरना कभी कभी हम जाते थे मिलते थे, आज 10 दिन चलो हमारे साथ गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया चाचू। हाँ सही है, सही है। सारा दिन जो है ना कार्टून देख देख के एक की भी बैटरी नहीं है, तो दोनों को भी मैंने यहाँ पर चार्ज पे लगा दिए है। और यहाँ पर सब बच्चों के मैंने कपड़े आयरन कर लिए, और ये जो ड्रेस है अभी मुझे 2 दिन पहले रिसीव हुआ था AS कॉर्नर की तरफ से, ये मुझे मिला है। तो ये सिर्फ शर्ट और इसके साथ सिर्फ ये इस तरीके का ट्राउजर है, जिसके ऊपर ये इस तरीके की लेस लगी हुई है, और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है मुझे। तो अभी क्या करना है कि इसके साथ का दुपट्टा नहीं है, पहले मैंने सोचा कि मैं इसको पहनती हूँ, इसके साथ का दुपट्टा नहीं है, तो फिलहाल इसको अभी रखती हूँ। अब जल्दी से आज मम्मा आपको नहला दे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज देखिए मैं ब्लू कर्टन के पीछे आ गई इतने टाइम बाद। आज हमारा रूम खाली हो गया, चाचू भी आज चले गए। चाचू ने हमारा बहुत साथ दिया, मुस्तफ़ा को स्कूल लाना छोड़ना, मतलब बहुत एक मैं कहती हूँ कि ना, बड़ों का, बुज़ुर्ग का आपके घर में होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जिनके घर पे भी बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी मतलब मैं कहती हूँ कि वो एक बरकत होती है आपके घर में बड़ों का होना। तो बहुत अच्छा लगा जितना टाइम हमारे साथ रहे। और आज मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, उनकी खुशी में देखें आज मैंने रेड कलर का सूट पहन लिया, और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना तब मैं रेड निकाल के पहन लेती हूँ। तो फिलहाल अभी हमने क्या किया, मैंने बच्चों को नहला धुला दिया। आयत हमेशा की तरह वो तो सो ही जाती है। अभी जाना है तैयबा का, कल से सुबह मॉर्निंग से तैयबा का स्कूल स्टार्ट है। उसका सब कुछ आज फीस पे करनी थी हमने, कि पहले एडवांस होता है, वो सब कुछ आज हमने कर दिया। इसके अलावा अभी रहती थी उसकी लास्ट बुक्स रहती थी, अभी जा रहे हैं बुक्स लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी फ्रेश होने के लिए गए हैं, वो तैयार हो जाएं तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं तैयबा की बुक्स लेने। और फिर आगे देखो बाबर के घर पे भी मैं जाऊंगी, आज तो हम अपनी कार में जाएंगे, मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो अब इतनी टेंशन नहीं होती। अगर मैं किसी के साथ गाड़ी में जाऊँ ना, फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है कि इनको कहीं काम ना हो, कहीं जाना ना हो, तो मैं इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेती। से यही आदत है, मतलब इसका क्या होगा अगर हमें कहीं जाना भी पड़े, इसको नहलाओ तो फौरन सो जाती। अब इसका मैंने 10-15 मिनट तक तो वेट कर लिया, पता नहीं इसकी आईज क्यों रेड रेड हो रही। हाँ कल ये गिरी थी, कल इसको बहुत चोट लगी थी, कल सफाई करते हुए ना इसको बेड लगा था, अभी मुझे याद आ रहा है, बेड का जो कोना है ना भागते हुए आ रही थी तो वहाँ पर लगा था कल, ये बहुत रोई भी थी। आप इसके कपड़े लेके खड़ी हो, उठे तो पापा ये वाली फ्रॉक बहुत प्यारी लग रही है, दिखाओ वहाँ पर खड़ी हो जो, देखो तैयबा कितनी प्यारी लग रही है। कब पहना था? गांव में लिया था तब। बहुत प्यारा लग रहा है आप पर। There's a new day that will come again tomorrow. तैयबा का इतना प्यारा सा हमने शूट किया, सिनेमैटिक शूट किए, जब ये राउंड राउंड घूम रही थी, बहुत अच्छा है। पता है तैयबा
मुझे अभी इतना खूब अच्छा लगता है ना कि छोटे छोटे ऐसे शूट करना, उस पर म्यूजिक लगाना। जब से मैं सीखी हूँ ना थोड़ा बहुत, तब मेरा बड़ा दिल करता है ये एडिटिंग का। ये पता नहीं कब उठेगी। यहाँ से देखे हमने एक्सटेंशन निकाल लिया, तो ये बहन भाई दोनों यहाँ पर नीचे ही पड़े हुए हैं, अभी तक फुल ही नहीं हुए थे। मैं उठा लो यहाँ से इनको। जब से मेरे हस्बैंड आए हैं ना, उन्होंने स्पेशली मुझे चाय की फरमाइश की है कि मुझे चाय ज़रूर पिलाना। अस्सलाम वालेकुम। हम तो मिल चुके हैं, सलाम कर चुके हैं, अभी YouTube फैमिली को भी सलाम कर दे। तमाम YouTube फैमिली को, जितने भी मेरी वाइफ सारा के चाहने वाले हैं और चाहने वाले हैं, सबको ये ले। वालेकुम सलाम। मेरे हाथ थक जाएगा। ये डिश पकड़ लें, डिश। वैसे तो गांव की चाय बहुत मज़े की होती है, मैं नहीं बोल सकती कि गांव में जाकर आपने मेरी चाय को याद किया होगा। वहाँ भी दूध नहीं मिल रहा, खालिस खालिस दूध नहीं मिल रहा। मैं चलो दूध तो मिल जाता है, मुझे ये बताएं चाय को मेरी मिस किया था? चाय तो सिर्फ चाय मिस की थी। और गांव में सब ठीक थे? काशिप भाई, शानी बाजी सब ठीक थे, और कौसर भी ठीक थी। तुम आपके व्लॉग तो देखती रही थी। मेरी शहजादी, ये मेरी रानी है, रानी मेरी। तैयबा का स्कूल है, तैयबा कल स्कूल जाने वाली। ये फिर से खुल गया क्या ये साइड? ये यहाँ ऊपर रखा करो। कल तैयबा का फर्स्ट डे है स्कूल में, टेस्ट पास करके आई है मेरी बच्ची। हाँ हाँ, इसके एक वो टेस्ट पास की खुशी में केक भी तो हमने काटा था। मिठाई खिलाई थी तैयबा, मिठाई। हाँ आपके पापा पंजाब से मिठाई भी लाए हैं। हाँ ये कौन आया हुआ है? आपके कपड़े रह गए। अच्छा मैं निकाल देती हूँ। मुझे दिखाओ, एक मिनट दिखाओ तो सही। तो ये मुस्तफ़ा के लिए मैं दुबई से कैप लाई थी, अभी मुझे मिली है, तो मैंने कहा मुस्तफ़ा को दिखाऊं। देखो कितनी प्यारी है। कपड़े रह गए थे और मेरी चाय भी वहीं पर रह गई, इसके कपड़े इस्त्री करते करते। ये लो हो गई, कितनी खूबसूरत। मेरा हाथ, ये आयरन लगी है। देखो मुस्तफ़ा कितनी खूबसूरत। फुटबॉल वाली शर्ट है, आपको फुटबॉल बहुत पसंद है ना? बास्केटबॉल। हाँ वही बास्केट फुटबॉल जो भी है, तो सही ना कुछ दिख तो रहा है ना। ये मुझे जल्दी में ना, ये देखें आयरन लग गई। हमेशा की तरह आते ही मोबाइल पर बिजी। अभी कौन रह गया? बात करना रह गया किसी से? नहीं, सिर्फ सब बेकार है। अच्छा चाय आपने पी भी ली इतना जल्दी? मजे की बनी हुई थी। मजे की बनी हुई थी। चलो मेरे हस्बैंड को कम से कम मेरी चाय तो हमेशा याद रहती है। शॉप बंद ना हो जाए, इसकी बुक्स वगैरह लेंगे। हाँ तैयबा की बुक्स। बस मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ, फिर चलते हैं। चलो मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा लग रहा है, तो शहजादा लग रहा है मेरा, मम्मा का शहजादा। ये कर्टन हमारे कब से पड़े हुए हैं, इनको तो फोन करें ये लगा के जाएं। मैं इनको करता हूं फोन। एक महीने से ऊपर हो गया, ये हमने बनवाए थे, और देखें पीछे विंडो हमारी खाली ही खाली है, पूरे घर में लग गए। बस यही रह गए। मुस्तफा बहुत प्यारा लग रहा है। अब एटीट्यूड चेक करो, एटीट्यूड किंग। अच्छा मेरी याद आई थी। अच्छा बच्चों में सबसे ज्यादा किसकी याद आई थी? मुझे इसकी, बस बच्चे तो बच्चे हैं, तेरे प्यारे। हाँ बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो खैर सारे बराबर होते हैं, बच्चे सब याद आते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पे भी चले जाएं, मुझे तो खैर पूरे बच्चे याद आते हैं, लेकिन आयत की जो शरारती है, मैं कहती हूँ 24 घंटे में कोई आधा घंटा भी मैं कहती हूँ कि मैं उसको मिस नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ हर टाइम वो हमारे साथ रहे, उसकी शरारतें जो है ना, उससे हमारा दिन एक अच्छा गुजरता है। हाँ पूरे घर को एंटरटेन करती है, अपने बहन भाइयों के साथ इतना मस्तियाँ करती है। पर हमने चाय पी ली है, बर्तन फिर मुझे वॉश करनी है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें मेरे हस्बैंड मिठाई लाए हैं, और साथ में शक्कर भी लाए हैं, गुड़ भी लाए हैं, और इसके अलावा एक डब्बा मैं लेकर जाती हूँ कि वहाँ जाते हुए ना बाबर की फैमिली को भी दे देंगे। पाप के नीचे चले गए, देख लेना ऊपर ना रह गए हूँ, और हम लॉक करके आ गए। और ये एंड टाइम पर मेरे साथ ये हुआ। मेन रोड पर ना गाड़ी यहाँ पर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी आयत कहाँ रह गई? आयत तो ऊपर है, आयत तो ऊपर है। क्या कर रही थी आयत को जाना, मैंने पहले ही चेंज करा के नींद में ना ऐसे ही भिजवा दिया था पापा के साथ। हाथ अंदर करो, हाथ अंदर करो। चले तो आज ना देखें कैसे फुल भरा हुआ है। यहाँ कराची में ना हमेशा सुहाना रहता है। जो ना भी मुझे ज्यादा जलन होना शुरू हो गई है। मुझे कह रहा था कि सुहानी ना ले चलो। अच्छा तो मैंने फिर क्यों नहीं मुझे लेकर भूल गया?
मुझे भूल गया। बस आपको यही चीजें हमारे लिए भूल जाते हैं, आपको पता सोहन नाम है कितना अच्छा लगता है। बस वो लेके आएगा, कल आएगा या परसों आएगा। आ रहा है काश्यप भाई, शानी भी आ रही है, उसका पता नहीं। काश्यप भाई के लिए सुहेल आएगा। अच्छा चलो फिर तो अच्छा होगा, चलो बच्चों को ये खुशी होगी कि वो आ रहे हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं ना, आयत यहाँ कुछ भी देख लेती है, फिर मम्मा लेट्स गो खाना खाने चलें, अभी सो रही है मज़े से। तो ये सारी बुक्स इनके ऊपर स्कूल वालों ने डिटेल लिख कर दी है। फिर आयत इधर सो रही है, आप इधर ही बैठो। फिर बिल बन गया, ये बुक्स और कॉपीज जो है ना ये निकाल दी। यहाँ पर अभी सारी कंप्लीट हो गई है, एक रह गई है ना, तो यहाँ से सारी बुक्स हमने ले ली है, एक मैथ की रह गई है, तो वो इंशाल्लाह फिर कल आएंगे यहाँ से हमें मिलेगी। बुक्स सारी आ गई हैं, सिर्फ एक बुक रहती है मैथ की, तो बाकी रह गई है, वो इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने टिक लगा दिया कि कल आकर ले जाइएगा। इसके अलावा जब बिल का टाइम है, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा है, फिर आयत के साथ कोई बैठने वाला नहीं था, सारी बुक्स मैंने कॉपी सब कुछ चेक कर लिया, सब कम्प्लीट है, तो मैंने कहा बिल जाकर देखिए, आज हम बस बुक्स उठानी है, क्योंकि आयत सो रही है, फिर हम इसे गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ सकते, और मुस्तफ़ा को भी नींद आ गई। मुस्तफ़ा सुबह स्कूल जाता है ना, तो जल्दी उसकी आदत है, सो जाता है, तो पीछे गया हुआ है सोने के लिए। कर दी पेमेंट सारी, सब हो गई। इतनी वजनी बुक्स तई पर डेली कैसे लेकर जाएगी? अब ये बैग के अंदर डालेगी तो फिर पता चलेगा। हाँ बहुत वजनी है तईबा, उठा लोगी इतना वजन? तईबा तो है इतनी पतली सी। मुस्तफ़ा को खाने की खुशबू आ गई, मम्मा ने आपके लिए चटनी रोल मंगाया, और ये देखो कितने मजेदार हमने सैंडविच भी ऑर्डर किए हैं, ये खाने ये अच्छे लग रहे हैं। और तईबा को जो है ना, तईबा का पसंदीदा जो है ना रोल है, तो तईबा के लिए हमने रोल ऑर्डर किए, केचप वाला, इसमें चटनी भी है और वो भी है केचप वाला तईबा का। मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगाई, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का बिल्कुल दिल नहीं था, और तईबा ने जो है ना अपने लिए फ्रेश मैंगो जूस है ना, या ऑरेंज है? नहीं मुझे तो ये ऑरेंज लग रहा है, मैंगो। तो तईबा का मुस्तफ़ा आया 5 मिनट के लिए, जल्दी से अपना खा पी के वापस पीछे चला गया सोने के लिए। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बाबर दिलबर के घर पे, बहुत हमने एंजॉय कर लिया। ये देखो काओ, सरकारी काओ मजे से घूम रही है। मुस्तफ़ा सो गया, आयत को तो हमने ऐसे नींद से उठा लिया, शुक्र है कि उसके जूते गाड़ी में एक्स्ट्रा से मैं रखती हूँ, तो आप उठा लें अंदर चल के, मैं जूते पहना दूंगी, अभी ऐसे उठा लें। के घर जो है ना आने की सबसे ज्यादा बच्चों को खुशी होती है, यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते हैं ना। मुस्तफ़ा तो पहले पहुंच गया, तईबा की स्पीड चेक करो कैसे जा रही है। आयत अब आप भी उठ जाओ। आयत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक। ये मिठाई का डब्बा भी ले लो। हाँ चौदहवीं का चांद नजर आ गया इस खुशी में। हाँ पंजाब की मिठाई है, थोड़ा मुँह मीठा कर लो। पता जब हम आते हैं ये होते नहीं है। नहीं डीडी भाई नहीं था वैसे, हो गई गाड़ी फिर सेल? नहीं अभी नहीं हुई। नहीं लगता इसका दिल नहीं है जाने का, पता नहीं ये हमारा नसीब नहीं है। हाँ ये नहीं जाना चाहती शायद, नहीं गाड़ी सेल करके अपना खूबसूरत सा मकान लेना चाहते हैं और उसमें अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, तो प्लीज इनको सपोर्ट करें घर दिलवाने में, इनकी गाड़ी सेल कराने में। चलो आयत बहुत मुश्किल घड़ी है इनके ऊपर, इनको प्लीज सपोर्ट किया जाए। इनकी गाड़ी सेल कराने में, इनको घर दिलाने में, गाइस प्लीज इनको सपोर्ट करें। आज मुस्तफ़ा आए थे, ये देखो बता रही है आपको कि मैंने शूज पहन लिए। आपने खुद से शूज पहने? आए कितने खुश है। हाँ यार अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। ये ले आई अपना डैडी, इनके घर भूल गई थी बाबर के घर पे, तो आज इसको जैसे याद आया अपना डैडी ले आई। ये ब्रदर है? अच्छा सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, कैसे मुझे फौरन इसने बताया कि इट्स अ ब्रदर। डैडी दिस इज डैडी, दिस इज डैडी, पता नहीं क्या बोल रही है, टेक अ साइड बोल रही है, उसको जगा दो। तईबा आप सुबह लंच बॉक्स में क्या लेकर जाओगी? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर लेकर जाना, फिर जल्दी से बता दो, मम्मा भी रेडी करके रखेगी जो। बहुत हो गया म्यूजिक, बहुत डांस कर लिया,
इतने टाइम बाद गाड़ी में बैठी, इसको म्यूजिक का ऐसा शौक लग। बस खत्म हो गया सॉन्ग, चलो हमारा घर भी आ गया है। और पीछे आप दोनों ने एंजॉय किया बहुत ज्यादा? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये तो बात ही नहीं सुनता, सही मुंह से जवाब नहीं देता, भाग जाता है। चलो आई, चलो घर चलते हैं। आज मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। हाँ हाँ सॉफ्ट है, बल्कि ये पहुँच गई है लाइट ऑन करने के लिए। सारे बटन ऑन कर लो। बस आ गई हमारे घर में लाइट। तैयबा, इसमें से आप कौन सा लंच बॉक्स लेकर जाओगी? कल दो है ना आपके, और ज्यादा तो वैसे ये वाला प्यारा है, यही वाला लेकर जाना है। आपको भी यही अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। हाँ देखा है, देखा है मम्मा ने, इसके स्पून भी है ना? हाँ देखा है। तैयबा यहाँ पर अपना आते ही इसने अपना बैग सेट किया, जो इसकी बुक्स आई हैं आज, ये भी और वाटर बोतल भी। ये मम्मा को दे दो वाटर बोतल, अपनी मम्मा को पकड़ा दो। वो मम्मा जो है ना इसको वॉश करके ठंडे पानी की भर के रख देती हूँ, सुबह तैयबा ठंडा पानी लेकर जाएगी। आ गई सारी बुक्स आपकी इसमें। ये आपकी जो बुक्स है ना, कुछ कॉपीज हैं, ये टीचर आपकी स्कूल में रखेगी या फिर घर पर रखोगी। आपको डायरी मिलेगी डेली, जिस पर आपको वो हाँ डायरी में सारा होमवर्क भी मिलेगा, और डायरी में डेली का वो भी होगा कि क्या बुक्स और क्या चीज़ आपको शेड्यूल होगा, उसमें क्या लेकर जाना है। ठीक है, अपने जूते भी निकाल दो, मैं सॉक्स भी डाल के रख दो। इतने प्यारे हैं तैयबा के स्कूल शूज़ है, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज मेरा पहला दिन। हाँ जो पहले पहले थे दीदी, हाँ वो तो फुल ऐसे जॉगर की तरह थे। तो ये छोटी छोटी सी तैयबा की सॉक्स हो गई, तैयबा की स्कूल की पैक की बैग पैकिंग, साथ में इसके शूज, ये सारी चीजें देख के इतना खुशी हो रही, इतना अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। सॉक्स इसके ऊपर से ये स्टिकर भी निकालो सॉक्स से, मैं आपकी बोतल भरने के लिए जा रही हूँ। तो आपको सोना है नहीं सोना? सब सो गए, जल्दी से जल्द। हाँ क्या नो, पता नहीं क्या बोल रही, इसकी इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती। तो ये लंच बॉक्स की सारी तैयारी है कि सुबह तैयबा का ये जाएगा, साथ में मैंने ब्रेड और ये सारी चीज़ें भी वापसी पर हम लेते आए हैं। तो खैर ये तो सुबह का है, दो जूस जो है ना बच्चों के मैं फिलहाल फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाएंगे और सुबह स्कूल लेकर जाएंगे। अभी आपने जूस लिया? ये देखो भाग कैसे रही है। अब इस लड़की का मैं क्या करूं, देखो ये मुझे तंग करने के लिए ऐसे जूस लेके भाग गई है। मतलब छोटे बच्चों के भी लाड नखरे उठाने पड़ते हैं, जाहिर सी बात है ये इनकी एज है इनके नखरे उठाने की। मम्मा ले आइए और बस, तो फिर तो हमारे बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। आयत मैं आपका क्या करूं, अभी आपने मोप निकाल ली है, पूरे घर में हमारी खामोशी है, सब सो गए। अभी देखो सारा फर्श भी नीचे गंदा किया, ये भी निकाल लिए। बस 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 हो गया, हो गया, हो गई क्लीनिंग, हट जाओ यहाँ से। बस चलो लेट्स गो स्लीपिंग, कैसे बोलती हो? और इतना टाइम हो गया इस लड़की को ना, ये लड़की नहीं सोती, लेकिन फिर भी हमें आयत की शरारतें अच्छी लगती हैं, आयत का खेलना सब कुछ अच्छा लगता है। तैयबा की वाटर बोतल, मुस्तफ़ा की बोतल, ये सारा कुछ मैंने भर के रख दिया। और दूसरा क्या था, इनकी यूनिफॉर्म भी सब कुछ हो गया। बैकपैक करते हुए तैयबा को देख के आज इतना खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती। मैं तैयबा को ऐसे चोरी चोरी देख रही थी, तैयबा जब अपना पेंसिल बॉक्स बना रही थी, अपनी बुक्स रख रही थी, अपने जूतों को ऐसे हाथ लगा के चेक कर रही थी, खुश हो रही थी, और उसकी जो स्माइल थी ना उसके फेस पे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका बहुत टाइम मिस हुआ मेरी बच्ची का, हमारे कुछ इन हालात की वजह से, खैर जो भी था आप सब जानते हो। और दोबारा जो है ना मुझे इन सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करना, मुझे अपना व्लॉग अच्छे से बनाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना कि मैं अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दूँ और कंट्रोवर्सी ऐसा कुछ भी ना हो हमारे व्लॉग में, और अगर कोई कर भी रहा है तो अपना खुद का ख़राब करे, और बाकी जिन्होंने मेरी सपोर्ट में बनाई है उनके लिए थैंक यू सो मच। और उनको भी मैं यही कहूँगी कि आपका जो अपना कंटेंट है, आपकी एक कुकिंग का चैनल है या फिर रिएक्शन का है, तो आप उनके वीडियोस के लिहाज से रिएक्शन दें, किसी को पर्सनल अटैक ना करें, किसी को कुछ मत बोलें, जिन्होंने जो बोला है उनका हक हिसाब एक तो अल्लाह लेगा, दूसरा कोर्ट में हो जाएगा। बस इतना कहूँगी, बाकी मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बोलना। और थैंक यू सो मच, हाँ
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत सारी बातें होगी, मैं भी जाकर सोती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठना स्कूल के लिए, और अब आयत की भी साथ साथ आदत बनानी पड़ेगी तैयबा, क्योंकि मुझे तैयबा मुस्तफ़ा को दोनों को अगर मैं छोड़ने जाती हूँ स्कूल तो आयत पीछे घर पर अकेली होगी, और वही बात है कि फिर इसको भी जल्दी उठाना पड़ेगा। तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।